लेकिन उस नाराजगी की वजह से मैं आपके और मेरे रिश्ते को तो नहीं भुला सकती ना। हाँ, चोट ज्यादा पहुंची है, कुछ ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं, दवाइयों से असर होने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए ब्रेन का ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। प्लीज गो, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ नहीं आने के लिए। There you be. Go away from here. Go. Simran, please calm down. Simran. Relax. Where were you? मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ चले गए? रोते नहीं सुनो। इसे कहो ना यहाँ से। इसे प्लीज कहो यहाँ से जाओ। सुमन, मैंने इसे कहा था या नहीं मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किनारे करने की। बस सुमन मैं आ गया हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, रोते नहीं, कम ऑन। मैं ऐसे कहता हूँ मैं उसको बोला मैं आ गया हूँ, हाँ आराम करने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज आराम करने की कोशिश। Yes, doctor. बहुत अच्छे हो गई थी, हो गई थी। We'll have to monitor injection. 5 ml. Yeah. It's क्या हो गया सिमरन को? इस तरह के केसेस में पेशेंट्स अक्सर इसी तरह रिएक्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज अ हेड इंजरी। डोंट वरी, सिमरन को पता नहीं कि वो क्या कह रही है और उसे याद भी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन आई वाज शॉक, मैं तो आई डोंट नो। अम्मी बताइए ना, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, चलिए ना अपने घर। बेटा, अपने ही घर तो आए थे। चलिए ना अम्मी, जब से आप आए हैं रोते ही हैं। आपने तो कहा था अबू बहुत अच्छे है, वो अच्छे नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को, आप यहाँ किस उम्मीद से आई होंगी और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है इस सब में, लेकिन भैया भी गलती कैसे नहीं, जो कई सालों पहले हुआ वो उन हालात की वजह से हुआ जिसने हमें फराज के अब्बू से मिलवाया। एक ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए था सब कुछ,
लेकिन गलती तो हमारी थी जो उस खाब का पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए। ये तो हमें समझना चाहिए था कि कहाँ वो और कहाँ हम। आप दोनों खाना खा लीजिएगा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सुनिए, अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक तो नहीं कह सकते, बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जानती हूँ आप सब है नया, विवेक। हाँ बाप। आनंदी नहीं आई? आनंदी ठीक है ना? सिमरन दीदी, आनंदी बाद में आ जाएगी, आप आराम कीजिए। आप सब प्लीज बाहर जाएंगे? समझ से मिलने आए थे, बिना बात किए ही चले गए। दीदी सब बाहर ही बैठे हैं, बाद में आ जाएंगे, आप आराम कीजिए। मुझसे सिमरन की तकलीफ नहीं देखी जाती, भगवान उसे बस जल्दी से अच्छा कर दे। माथुर साहब के बारे में सोचो, वो बेचारे कितना परेशान हो रहे होंगे। अभी तू हमारे साथ घर चल रहा है ना, हालत तो देख अपनी क्या हो गई है। मामा प्लीज बार बार एक ही बात मत दोहराया करो, बच्चा नहीं हूं मैं। मम्मी जी सही कह रही हैं, अभी घर जाकर नहा धोकर आ जाओ। हाँ अभी, वैसे भी दो दिन से आप यहीं हैं और आराम की जरूरत तो आपको भी है। ये वक्त आराम करने का नहीं है रश्मि। तुम लोगों को इस बात का एहसास हो या ना हो कि सिमरन ने हम लोगों के लिए क्या किया है, लेकिन मुझे पूरी तरह से इस बात का एहसास है। मैं यहां पे रहना चाहता हूं, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई बुराई है। है कोई बुराई? हाँ, वहां लंदन में दीदी जीजा को छोड़कर चला आया, ये सोचकर कि यहां सिमरन की शादी में कुछ तो हेल्प करूं मैं। होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटा ये शादी तो अब पोस्टपोन करनी ही होगी। सिमरन की हालत तो हम सब देख रहे हैं, पता नहीं कितना वक्त लग जाए उसे ठीक होने में, भगवान ही जानता है। पापा,
इस वक्त सिमरन्स हेल्थ इज इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। मनु कुछ वक्त के लिए तुम अपने घर आओ बेटा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। बेटा थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, ऐसे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर जरूरत हो तो प्लीज फोन करना। जरूर बेटा, और तुम परेशान मत होना, ठीक हो जाएगी वो। बहुत अच्छी लग रही हो, है ना? देख कितनी पुरानी ड्रेस है मेरी और एकदम फिट आ गई है। यहाँ से थोड़ी टाइट है, ये सब तेरी गलती है। पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती है मुझे, मेरा वजन बढ़ा दिया। हाँ नहीं, कोई वजन वजन नहीं बढ़ा है, आप एकदम फिट हो, है ना? कपड़ा श्रिंक हो गया होगा। मेरी ड्रेस आपको कैसे फिट होगी? तेरी तेरी कब से होगी? 4 दिन मैंने नहीं पहनी तो ड्रेस तेरी होगी। ये ड्रेस मेरी है। ओके बाबा, आपकी है, मैं भूल गई थी। कोई तो क्या होगा तेरा, इस उम्र में तेरी ये याददाश्त? अब याद आ गया ना। ठीक है, तू यहाँ खड़ी क्या हंस रही? तेरा कोई काम धाम नहीं है, चल जा यहाँ से। खित 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 खित। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अरे तो वो तेरे दोस्त है ना भी बनियो, उसको बोल अपना कैमरा लेके आए। कितने दिन हो गए मैंने फोटो सेशन ही नहीं कराया। ये भी बनियो है कहाँ? 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। वो डॉक्टर सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो हॉस्पिटल में है तो अभी भी वहीं है। सिमरन? कौन सिमरन? अच्छा अच्छा वो, शी इज वेरी प्रिटी, उसको तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। यू रियली? अरे वो बीमार है, तूने मुझे बताया था क्यों नहीं? हाँ क्या सोच रही होगी वो, अरे मैं उससे मिलने भी नहीं गई। तुझे पता है ना वो किस हॉस्पिटल में है ना, चल उसको मिलने चलते हैं। ओके? नहीं नहीं मम्मी, अभी नहीं जा सकते, रात बहुत हो गई है ना। अब विजिटिंग आवर्स के बाद वो लोग किसी को अंदर नहीं जाने देते। हाँ, मुझे कौन रोकेगा, आई एम सच अ बिग फिल्म स्टार। तू देखना मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाऊंगी सब लोग मेरे आगे बिछ जाएंगे। चलो चलो लेट्स गो। हाँ मैं मेकअप टचअप करके आती हूँ। मम्मी क्या हो गया है आपको, इतने दिनों से अच्छी खासी थी आज फिर। अरे अरे तू किसको फोन करने लगी? ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमको हॉस्पिटल जाना है और फिर वहां से स्टूडियो जाना है। ओह माय गॉड, आई हेट माय सेक्रेटरी, नाइट शूटिंग रख देता है, हेट नाइट शूटिंग्स। अरे फोन रख ना, हमको चलना है, चल। मम्मी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे हु आर यू टू स्टॉप मी? हां होती कौन हो तू मुझे रोकने वाली? मम्मी हम डॉक्टर सिमरन से मिलने सुबह चलेंगे, अभी आप सो जाइए। सो जाओ, कमाल करती है लड़की, मैं सो गई तो कल शूटिंग भी कौन जाएगा? माय गॉड, इतने दिनों के बाद एक अच्छा रोल मिला है, इस बार सारे अवार्ड्स मुझे ही मिलेंगे। मम्मी आप किस दुनिया में जी रही हैं, आंखें खोलिए। तुम मेरे मामले में दखल मत दो, अंडरस्टैंड? आई एम योर मदर, यू आर माय डॉटर, डोंट टच मी। नो, आई हैव टू गो फॉर द शूटिंग, लेट मी गो। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा कहाँ हैं आप? मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। मम्मी को फिर से अटैक पड़ा है, बहुत वाइल्ड हो गई थी, मैंने किसी तरह उन्हें कमरे में बंद कर दिया। देखो कमरे में बंद करना भी ठीक नहीं है, कहीं कुछ। अच्छा मैं दवाइयाँ चेंज कर देता हूँ, शायद उससे फर्क पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल फोन करके बोल दूंगा, वो दवाइयाँ पहुँचा देंगे, ठीक है? जी थैंक्स। क्या हुआ? नेहा की मदर को फिर से दौरा पड़ा है, डॉक्टर सिमरन के एक्सीडेंट की वजह से मैं उन्हें अटेंड ही नहीं कर पाया हूँ। मिस्ड 3 सेशंस। प्रणय देखो, सिमरन दीदी के पास हम सब है, लेकिन नेहा और उसकी माँ अकेले हैं। आई डोंट थिंक यू शुड इग्नोर देम। मैं
दवाइयां तो अरेंज कर देता हूँ, आज की रात तो निकल जाएगी। अम्मा कहाँ जा रही हो इस वक्त? वापस जा रही थी। देखो तुम्हें शहर में नहीं हो, लोगों से अनजान हो, छोटे बच्चे के साथ कहां जाओगे? आइंदा तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मुझसे पूछे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? लाओ बैग मुझे दो, आ जाओ बेटे। लग रहा है ना बेटा? ज्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं पापा, बस थोड़ा थोड़ा दर्द होता है बस। अब बेटा इतनी ज्यादा चोट लगी है तो थोड़ा दर्द तो होगा ना, लेकिन तुम देखना एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों है ना ऋषि? हाँ पापा। दीदी आपने सुबह जूस के साथ दवाई ली थी, उससे कैसे बच सकती हूँ? इतने लोग जो हैं यहाँ मेरा ख्याल है। अंजलि आंटी नहीं आई? आपने उन्हें बताया तो होगा ना पापा? आप मिलते तो हैं ना उनसे? वो दीदी छोड़िए ना इस बात को, वैसे भी पापा को कहाँ टाइम मिलता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, बस इसके सिवा वो कहीं नहीं जाते। आप इन सब बातों की फिक्र छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको ज्यादा बात करने से मना किया है डॉक्टर से मैंने। जस्ट गो टू स्लीप। मानस, सिमरन को जब आईसीयू से शिफ्ट किया था तो मुझे लगा था कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, शी वॉज नॉर्मल, मगर सडनली क्या हुआ पापा? बेटा वो फिर से उन सारे लोगों को याद कर रही है जो हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुके हैं। अभी अभी उसने वो सब लोग। नो दिस इज नॉट अ गुड साइन, बहुत सारे मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं। आई थिंक हमें डॉक्टर देसाई से बात करनी चाहिए, सर्जरी में और देरी ठीक नहीं है। या सर्जरी? यू मीन ब्रेन सर्जरी? ये मानस ये अवॉइड नहीं की जा सकती पापा, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आई मीन ये करना ही पड़ेगा अंकल, डोंट वरी, यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, गुड स्पेशलिस्ट है भैया, ठीक ही हो जाएगा। तुम जानते हो इसने मेरे साथ क्या किया, उसके बावजूद तुम इसे यहाँ लाई। प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, करिए इसे कहो कि यहाँ से जाए। भैया गो अवे, जाओ यहाँ से प्लीज। तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो इसे? गो अवे।
यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहाँ पर? Why गौरी बाजी जी बनेंगे मियाँ? भाभी? गौरी मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारे भैया ने मुझे धोखा दिया। He cheated on me. Please don't call me Bobby. I'm not your Bobby. Why did he do this? Why did he do this to me?